फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल टाइम। तो अब बन रही है लंच की तैयारी, हो चुकी है, दाल बन चुकी है, चावल रोटी रह गई है। तो मैं बस ये खीरा छील रही हूँ सैलेड के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, टमाटर और प्याज मैंने कट करके रख दिया है और बस मैं खीरा कट कर रही हूँ। आप लोग भी बताइए, आप सैलेड में क्या क्या बनाते हैं। मैं सैलेड कई तरीके से बनाती हूँ। जैसे मूली का सीज़न होता है विंटर में, तो मैं मूली, टमाटर और एक खीरा कद्दूकस होता है ना, उसे घिस करके और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, धनिया और नींबू का रस मिला करके बनाती हूँ। घिस के सलाद ऐसे कट के बनाती हूँ, लॉन्ग पीसेस में कट करके बनाती हूँ। और एक दो बार लेटस लीफ का सैलेड भी शेयर करा है, मेयोनी मिल्क वगैरह डाल करके, वो भी हेल्दी होता है, तो उसका हम कट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, जो कल सरसों का साग काटा था ना, वो देखिए ऐसा बन के इस तरह से रेडी होता है। और ये जो है बहुत टेस्टी लगता है। कल मैंने इसकी कटिंग करी थी, आज बन गया। ये इसकी सब्जी बन चुकी है और दाल बन चुकी है, चावल बन चुका है। बस रोटी अभी मैं गरम गरम सेकूंगी और फिर लग उसको लगाऊंगी खाना। और ये मैंने सलाद कट कर लिया है, तो लंच में यही रहता है। इसको मैं लंबे लंबे पीसेस में कट कर लूँगी, क्योंकि हमेशा वही काटते रहो थोड़ा और लग करो तो बच्चों को भी खाने का मन करता है। तो ये हरा हरा सलाद, तो खीरा कट होता है, कितनी अच्छी स्मेल आती है ना इसमें से, लगता है ग्रीनरी जैसी। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, टमाटो अनियन और ये हमारा सैलेड। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए आप लोगों ने क्या क्या बनाया है इसमें खाने में। तो देखिए हमारा सैलेड कट चुका है, अब मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा सैलेड। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ ये नमक खाते हैं, यानी कि सेंधा नमक, यानी कि पिंक सॉल्ट। ये अच्छा होता है, वाइट सॉल्ट से अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो ये समय में नमक डालूँगी। तो देखिए हमारा सैलेड भी रेडी है, अब मैं सेकूँगी रोटियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सलाद के बाद आटा लगा चुकी हूँ, तो बना रही हूँ मैं रोटियाँ। आप लोग भी बताइएगा, रोटियाँ कई तरह की बनती हैं, कहीं बेसन मिक्स करके, कहीं नमक अजवाइन की, कहीं नमक जीरे की, मिस्सी रोटी। तो किस किस तरह की रोटियाँ आप बनाते हैं आप लोग भी। मेरा भी तवा गरम नहीं हुआ, तवा गरम कर लेते हैं, तब रोटी को डालेंगे इस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी एक तरफ से सिक चुकी है, तवा हो गया गरम और ये मैं दूसरी रोटी सेक रही हूँ। तो 6-7 ही रोटी सिकती हैं दोपहर में, क्योंकि राइस भी होता है, तो ज़्यादा रोटियाँ नहीं सिकती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दाल चावल खाना पसंद करते हैं। बच्चों का कंफर्ट फूड और अच्छा फूड जो उनके लिए मनपसंद खाना होता है, वो दाल चावल ही होता है। बेसिकली अरहर की दाल चावल, जिसको हम बचपन में शायद मैं क्या सभी लोग आप लोग भी येल्लो वाली दाल कहते थे, वो सभी की फेवरेट होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीख रही हैं रोटियाँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ से देखते हैं, मैं डेली कहती हूँ। और बताइएगा मेरे साथ भी कुछ रेसिपी शेयर करिएगा कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं, आप लोगों का खाना क्या क्या है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।